वेलकम स्टूडेंट, देखिए आपको हम एम एस एक्सेल में आज परसेंटेज निकालने के लिए बताएंगे और बहुत आसान तरीक़ा से आपको कुछ सेकंड में हर किसी स्टूडेंट का या किसी व्यक्ति को आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको डिस्प्ले के ऊपर ले चलते हैं, आप वहाँ पूरी तरह से समझ में आपको आएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लिख दिए हैं कि रिजल्ट देखने के लिए सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपका नंबर, जो आपका नंबर आया है, जैसे आपको नंबर आ गया 360, ठीक है। आपका फुल मार्क्स कितना है, आप कहीं भी एगो लिख दीजिए फुल मार्क्स, जैसे हमें यहाँ पे हम लोग का होता है 500 के, ठीक है, 500 का। अब यहाँ पे हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने का तरीका आप जानते होंगे कि हम लोग सबसे पहले इक्वल करते हैं, उसके बाद टोटल पर क्लिक करके यहाँ से भागा का चिन्ह देते हैं, ठीक है, जिसको डिवाइड बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ई टोटल को जो आपका फुल मार्क्स है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद शिफ्ट दबा के मल्टीपल का चिन्ह देंगे, और मल्टीपल का चिन्ह देने के बाद फिर यहाँ से हम कितना टाइप करेंगे, 100 टाइप करेंगे, 100 लिखेंगे, और फिर यहाँ से हम क्या प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो आपको यहाँ पर कितना नंबर आ गया, 72% 360 का आ गया, ठीक है। हल्का इसको हम आपको जूम कर दे रहे हैं, देख लीजिए। अब जैसे यहाँ पे हम इस नंबर को हम चेंज करेंगे, सपोज़ यहाँ पे हम लिख दिए ऐसे 289, ठीक है, 289 लिखे, अब इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपका परसेंटेज चेंज हो गया। यहाँ पे सपोज़ आप लिखते हैं 150, मतलब 150 आपको अंक आया 500 में, टोटल 150 अंक आया, तो यहाँ इसका परसेंटेज आपको देखना है, तो इंटर प्रेस कीजिएगा, इसका भी परसेंटेज आपको देखे 30% दिखा दिया, समझ गए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए होंगे वो पेज को फॉलो कीजिए।